आज आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जिसके अप्लाई करने से आपके हेयर्स हो जाएंगे सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट। एक बार से ही जिनके हेयर्स कर्ली हैं और स्ट्रेट नहीं होते उनके लिए ये रेमेडी है खास तौर पर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 ग्लास पानी। अब हमें डालना है इसमें 2 चम्मच भर के, इसमें हमें डालनी है पत्ती, चाय पत्ती, और हमें अब इसके अंदर ऐड जो अगली चीज़ ऐड करनी है वो है, उसे डालने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालने से पहले हम इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे जब तक इसमें बबल्स नहीं बनना शुरू हो जाते। हमने इसे इतना पकाना है कि इसका पानी आधा रह जाए। हमें चाय की पत्ती नहीं चाहिए, हमें इसका पानी चाहिए, इसीलिए हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है ताकि इसका कलर जो है और सारी अफादियत पानी के अंदर आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने तकरीबन 2 मिनट हमने इसे पकाया तो इसका रंग और इसके अंदर बॉयल आ गया और इसका काफ़ी अच्छा सा कलर भी आ गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो भी आधा ही रह गया है। ये अभी बहुत ही बबल्स बन रहे हैं लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी क्वांटिटी आधी रह गई है 1 ग्लास से। और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब ये जो हमारी चाय की पत्ती बच चुकी है ये ज़ाया नहीं है, आप इसे पौधों में खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें कोई भी अपनी पसंद का शैम्पू ऐड कर लेंगे। हमने इसे 3 दिन के लिए स्टोर करके 3 बार के यूज़ के लिए स्टोर किया है। आप चाहें तो जब भी आपको नहाना हो तब भी आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी शैम्पू की बॉटल में डालकर इसे ज़्यादा बनाकर आप हमें बार बार के यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्लास पानी में हमने इसमें 4 साशे डाले हैं। आपने इसे गरम गरम में ही डालना है क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो हमारा शैम्पू इसमें सही से मिक्स नहीं होगा। शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं, जो शैम्पू आप लोग अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में डालते हैं आप इसमें शैम्पू में वो भी डाल सकते हैं। शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फिर कह रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे भी मैं आपको बताती जाऊं कि जब भी आप शैम्पू यूज़ करें तो उसे डाइल्यूट कर लें। अगर आप कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर रहे तो आप शैम्पू को डायरेक्टली अपने बालों पे नहीं लगाएं क्योंकि वो आपके स्कैल्प के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए आप उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसे फिर अपने उसे शैम्पू कीजिए। इससे होगा ये कि आपके जो हेयर फॉल है वो भी कम हो जाएगी और आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब जो हम इसमें लास्ट चीज़ डालेंगे वो है लेमन जूस। 1 बड़ा चम्मच हमें इसमें लेमन जूस का ऐड करना है। इससे आपके जो बाल हैं वो शाइनी होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। इस शैम्पू की एक खास बात ये भी है कि जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं ये इसके मुसलसल यूज़ से आपके बाल जो है वो भी काले होना शुरू हो जाएंगे और आपके बालों में एक कुदरती शाइन भी आएगी। अब आपने इसे किसी भी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेना है जब इस ज़रा सा ठंडा हो जाएगा। और हाथ बात ये कि आपने इसे गरम गरम ही अपने बालों में नहीं लगाना, जब ये ठंडा हो जाएगा सही तरीके से तब आपने इसके साथ इसको अपने सर पे लगा लेना है। इसे हमने ट्रांसफ़र कर लिया और अब आपने इसे अच्छे से हिलाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने लाइफ बॉय की बॉटल लिया और इसमें डव शैम्पू डाला है, इसलिए शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं। ये कोई लकीर के फ़कीरों की तरह नहीं करना कि एक चीज़ कह दी है तो आपने भी वही करनी है, आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।